हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हो। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात के आपको पता है कि अगर आप सभी ने जो बीएड कर रहे होंगे, अगर आप सभी ने अगर बीएड में एडमिशन लिया था 2020 के सीजन में अपने इस मौलाना मजरूल हक अरेबियन एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना में, तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि आपने अगर बीएड कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपने जो बिहार बीएड सीटी का जो पिछले साल एग्ज़ाम दिया था और आप सभी ने एडमिशन ले लिया था 2020 में, तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, यानी आप सभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूं मैं आज के वीडियो में क्या भी अपडेट है, क्या भी नोटिस आई है आपके अपने इस मौलाना मजरूल हक अरेबियन पर्शियन यूनिवर्सिटी को लेकर के, आप अपने बीएड एग्ज़ाम्स को लेकर के, आपके सेशन जो बीएड का जो 2 साल का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी सेशन बीएड का सेशन 2020 से 2022 के सेशन हुए, मैं आज का वीडियो आपको देने वाला हूँ कि क्या भी नोटिस आई रेसेस को लेकर के। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कितना शुल्क लगेगा और क्या लास्ट डेट है और भी जो भी अपडेट आई है अभी मैं आपको आज वीडियो बताने वाला हूँ। तो अपडेट को जानने के लिए और भी मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और भी अगर आप बीएड कोर्स कर रहे हैं और बिहार बीएड सीईटी का आपने एग्ज़ाम दिया था, बिहार बीएड का में एडमिशन लिए हो और आप बिहार बीएड के स्टूडेंट हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। कोई भी अपडेट आएगी आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उसका अपडेट देखने को मिलेगा। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे फ्रेंड्स, मैंने वेबसाइट खोली, वेबसाइट आपको पता है mmhapu.ac.in, आपको वेबसाइट खोली नहीं है। खोले के बाद आपको यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में आओगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जा रही है कि रिगार्डिंग ऑनलाइन एंट्री ऑफ बीएड रजिस्ट्रेशन सेशन 2020 से 2022। चलिए मैं इसे पहले डाउन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो नोटिस डाउन हो चुकी है आपकी अपनी बीएड रेगुलर 2020 से 2022 के सेशन की, जब भी आई रजिस्ट्रेशन को लेकर के नोटिस। वो क्या है नोटिस, आपको मैं डिटेल्स में आज की वीडियो बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझे। नोटिस देख पा रहे हो जो कि आई थी, नोटिस है कि प्रिंसिपल और इंचार्ज डायरेक्टर से डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ बीएड कॉलेजेस के उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको सबमिट करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट्स का जिन्होंने बीएड पार्ट वन में एडमिशन लिया है सेशन 2020 से 2022 में एज़ पर शेड्यूल। कि डेट ऑफ फिलिंग, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का डेट रखा गया है 17 मई से 25 मई तक। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पर हेड पे करना पड़ेगा पर स्टूडेंट्स विदाउट लेट फाइन 1500। और आपको बात करें यानी अपडेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अगर आप करते हो 27 मई के बाद यानी 29 मई तक, तो आपको लेट फाइन देना होगा 2000 रुपया। देख रहे हो, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि डेट ऑफ सबमिशन, आपको प्रिंटेड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके अपने बीएड कॉलेज में, और बाय हैंड पोस्ट कर दीजिए या स्पीड पोस्ट से। बीएड कॉलेज कोड यहाँ पर दिया गया है, आप भी देख लीजिए आपका बीएड का कॉलेज का क्या कोड है। अगर आपको भी नहीं पता कि आपको ऐसे पता करोगे अपने बीएड कॉलेज का कोड, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट वीडियो के कमेंट से कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अगला वीडियो इस अपने आपको अगला वीडियो इस टॉपिक पर चल दूँगा, ठीक है। चलो अपना कॉलेज कोड यहाँ पे चेक कर लीजिए अपने बीएड का, आपका क्या कॉलेज कोड है और डेट ऑफ सबमिशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है। कॉलेज वाइज कोड है, ठीक है, कि 188 9 234 इतने सारे यूपी कॉलेजेस हैं, ये 27 मई को जमा करेंगे और इतने कॉलेज 28 मई को जमा करेंगे और ये 29 मई को और ये 31 मई को, जिन पे केस चल रहा है पेंडिंग केस वो 2 जून को करेंगे। अब चलिए बात करते हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई है। तो फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का पढ़ने को मिल जा रही है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो बीएड पार्ट वन का सेशन 2020 से 2022 का आपको सबमिट करने होगी ऑनलाइन। आपको देख पा रहे हो अगर 17 मई से 25 मई तक करते हो सबमिट, तो आपको 1500 रुपये देना होगा चार्ज रजिस्ट्रेशन का फ़ी का, और आपका अगर लेट फाइन करोगे तो 2000 आपको देना पड़ेगा चार्ज। आगे पढ़ पा रहे हो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फाइल फिल करना है और सबमिट कर देना है बाय द कॉलेज, अपने कॉलेज के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी और वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई, इसी वेबसाइट पर होगा। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे शुरू होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो बहुत ही जल्द आपको हमारे सिर्फ हमारे इस ऑनलाइन क्वेश्चन चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको नहीं पता, तो अगर आपको आगे की अपडेट चाहिए, तो उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर चलो बात करते हैं यहाँ पर मेरा वेबसाइट जैसे अभी, तो फिर अभी शुरू नहीं हुई है, ठीक है, जैसे शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं वीडियो फुल डिटेल आपके लिए बना के ले आऊँगा, ठीक है। उसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड अलॉट किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। ऑन सबमिशिंग ऑफ जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट लिंक आपका खुल जाएगा, ठीक है। आपको फी सबमिट करना होगा, वो भी ऑनलाइन फी का पेमेंट करना होगा पोर्टल के थ्रू, और डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, विथ प्रिंटेड कॉपी के साथ
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और उसमें आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना होगा, और रिज्यूम राइटिंग सर्टिफिकेट लगेगा, और पेमेंट रिसिप्ट का, और एडमिशन सर्टिफिकेट आपने जो लिया था LNMU CET BEd का है ना वेबसाइट पर वो लगेगा, जिसमें मैं कॉलेज सेलेक्ट किया था, और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगेगा मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, और स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट फॉर्मेलिटीज, आपको कम्प्लीट करना होगा रजिस्ट्रेशन का 10 मई से पहले आपको सब कम्प्लीट कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट जो कि अभी भी आई थी आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर के आपके अपने इतने सारे बीएड कॉलेजेस की, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए वीडियो बना दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन होगी वो आपका इस मौलाना की वेबसाइट पर ही होगी। तो कैसे अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई, जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होती है मैं आपको फुल प्रोसेस के साथ वीडियो बना के बहुत ही जल्दी आऊँगा। तो फ्रेंड ये थी आज की अपडेट, और इस तरह को हमेशा चाहिए तो उसके मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स ये सारा अपडेट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे चैनल पर आ जाओ, हम चैनल पर आओगे तो जो हमारा चैनल अदर चैनल से ये मैं अदर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आइए तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, मैंने लिंक पिन रखा है ठीक है। आपके किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक पिन है, आप इस टाइम पर अपने क्यूरीज राइट पूछ सकते हो, पूछने से पहले हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें। तो यहाँ पर टेलीग्राम आपको चैनल लिंक देखने को मिल जाता है एजुकेशन हब का, इसको यहाँ से इस लिंक को आपको मेरे चैनल को कॉपी बस कर लेना है, कॉपी करके अपने टेलीग्राम ऐप पर आ जाइए, जैसे सर्च करोगे ये हमारा जो लिंक अभी आपने कॉपी किया था तो देख पा रहे, ये हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसके आप चैनल पर आपको बीएड से रिलेटेड आपको जो भी कुछ अपडेट आएंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी अपडेट या गेस्ट पेपर, तो सारा अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट जो कि भी आई थी मौलाना मजहर हक यूनिवर्सिटी को से के थ्रू आई थी आपके अपने बीएड कोर्स 2020-2022 को सेशन को लेकर के। तो किन्हीं कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट से कमेंट कर देना। तो आज के सिर्फ इतना, और इस वीडियो को मैं सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जिन्होंने भी बीएड कोर्स पर एडमिशन लिया कि उन्हें तो पता चल गया कि अपडेट आई है। तो फ्रेंड्स आज के सिर्फ इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग अस। और फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी जो आपको रजिस्ट्रेशन की भी सूचना आई थी सूचना को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग अस।